ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्टर्नम की। अब हम किसकी बात करते हैं? स्टर्नम की, ठीक है। तो स्टर्नम को हम लोग क्या कह सकते हैं? ब्रेस्ट बोन। क्या कह सकते हैं? ब्रेस्ट बोन। क्या कह सकते हैं हम लोग स्टर्नम को? ब्रेस्ट बोन, ठीक है। ये एक फ्लैट बोन होती है जो मिड लाइन में प्रेजेंट होती है, थोरैक्स की मिड लाइन में जो हमारी ये वाली हड्डी है, क्या कह रहे हैं? स्टर्नम, ठीक है। तो जो बीच वाली हड्डी उसको हम क्या कह रहे हैं? स्टर्नम, ठीक है। जो ये बीच वाली हड्डी इसको हम कह रहे हैं स्टर्नम, ठीक है। अब हम स्टर्नम के थोड़ा पार्ट्स के बारे में देख लेंगे, ठीक है। लॉन्ग और फ्लैट बोन है, 10-15 से 17 सेंटीमीटर लंबी है और मिड वर्टिब्रल रीजन में प्रेजेंट है। इतना जानने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस जानना है कि एक बोन है जो हमारी ब्रेस्ट बोन कहते हैं और बॉडी के मिड लाइन में प्रेजेंट होती है, थोरैक्स में, ठीक। अब हम इसके बारे में थोड़े स्टर्नम के पार्ट्स देख लेते हैं। तो स्टर्नम के तीन पार्ट्स हैं। जो सुपीरियर हेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनुब्रियम। जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी। जो सबसे नीचे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ज़िफॉइड प्रोसेस। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा सुपीरियर मोस्ट और एंटीरियर मोस्ट, ठीक है, जो सुपीरियर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? मेनुब्रियम। क्या बोलते हैं? मेनुब्रियम, ठीक है। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? बॉडी। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नीचे वाला छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ज़िफॉइड प्रोसेस। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो हमारी ब्रेस्ट बोन, यानी कि हमारी ब्रेस्ट बोन के कितने पार्ट होते हैं? तीन। मेनुब्रियम बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेनुब्रियम बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब स्टर्नम क्या करता है? स्टर्नम का काम हम देखते हैं। स्टर्नम क्या करता है? अटैचमेंट करवाता है थोरेसिक रिब्स को और एब्डोमिनल मसल्स को। तो जो हमारा ये स्टर्नम है, स्टर्नम से क्या अटैच होती है? रिब्स। रिब्स क्या है? एंटीरियर ला क्या है? स्टर्नम से अटैच है और पोस्टीरियर किससे अटैच होती है? हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा से। बात क्लियर कि नहीं? तो हमारी रिब्स एंटीरियरली किससे आके अटैच हो रही है? स्टर्नम से और पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्रा। तो स्टर्नम क्या काम कर रहा है? रिब्स को जोड़ने का काम कर रहा है। और दूसरा क्या? एब्डोमिनल मसल्स, जो हमारी एब्डोमेन, ये जो एब्डोमेन है, एब्डोमिनल की मसल्स को भी अटैच करने का काम कर रहा है, ठीक। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ठीक, रिब्स के बारे में। तो रिब्स के बारे में टोटल हमारे पास कितनी रिब्स होती है? 12 पेयर। हमेशा ऐसा बोलना है, हमारे पास कितनी रिब्स है? 12 पेयर, ठीक है। अब रिब्स क्या होती है? जो हमारी एंटीरियरली आगे किससे आके जुड़ती है? स्टर्नम से। और पीछे जाके किससे जुड़ती है? थोरेसिक वर्टिब्रा से, ठीक। आगे आके किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। और पीछे जाके थोरेसिक वर्टिब्रा। आगे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? डॉर्सल। आगे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? वेंट्रल। पीछे वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल। इतनी बात क्लियर? आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डॉर्सल। तो जो हमारी रिब्स हैं, आगे किससे आके जुड़ रही है? हमारी स्टर्नम से, ठीक है। तो रिब्स वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम एंड डॉर्सली अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा। इतनी बात क्लियर? वेंट्रली किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। और पीछे जाके किससे अटैच हो रही है? हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा से। क्लियर, ठीक है। हमारे पास कितने पेयर रिब्स होती है बताओ? 12 पेयर, ठीक है। 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन चेस्ट, ठीक। अब ईच रिब हैज थिन प्लेट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली टू द स्टर्नम। मतलब वही बात है कि रिब्स हमारा डॉर्सली किससे कनेक्टेड है? पीछे जाके हमारा वर्टिब्रल कॉलम में थोरेसिक वर्टिब्रा से, और आगे जाके किससे अटैच है? तुम्हारी स्टर्नम से। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हर एक रिब की। तो हर एक रिब में दो एंड होते हैं। हर एक रिब में क्या है? जैसे कि मतलब मैं मान लूं कि ये हमारी एक रिब है, ये रिब, ठीक, ये एक रिब है, एक रिब है। तो इसको हम लोग क्या करें? बाइसिफेलिक। इसका एक एंड होता है डॉर्सल और एक एंड होता है वेंट्रल। डॉर्सल मतलब पीछे वाला एंड, वेंट्रल मतलब आगे वाला एंड। तो वेंट्रली हमारी रिब किससे अटैच है? हमारी वेंट्रली किससे अटैच है? स्टर्नम से। और डॉर्सली किससे अटैच है? थोरेसिक वर्टिब्रा से। क्लियर, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बाइसिफेलिक, यानी कि इसके कितने हेड है? दो हेड है, ठीक, ठीक है। अब फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रू रिब्स। फर्स्ट सेवन पेयर ऑफ रिब्स को हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रू रिब्स, या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। पहली सात रिब को हमने क्या कहा? ट्रू रिब्स। अब ट्रू रिब्स क्यों कहा? इनको इसलिए ट्रू रिब्स कहा क्योंकि ये आगे आके किससे जुड़ रही है? डायरेक्ट आके स्टर्नम से। और पीछे जाके किससे जुड़ रही है? थोरेसिक वर्टिब्रा से, ठीक है। तो वर्टिब्रो मतलब वर्टिब्रा से जुड़ रही है, कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्रा से, और आगे आके स्टर्नम से। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, ठीक। उसकी ये हमारी फर्स्ट सेवन पेयर्स होती हैं, ठीक, ठीक है। तो जो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, डॉर्सली जाके थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ती हैं
और वेंट्रली किससे कनेक्टेड होती है हमारी स्टर्नम से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। उसके बाद जो बची रह गई रिब्स उनको हम क्या कह रहे हैं फॉल्स रिब्स, यानी कि 8, 9 और 10वें पेयर के रिब, ठीक है, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर और सेवन्थ पेयर, पहले सेवन पेयर किसको हम लोग क्या कह रहे हैं ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। उसके बाद 8, 9 और 10th पेयर को हम लोग क्या कह रहे हैं फॉल्स रिब्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम लोग वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, क्योंकि कार्टिलेज से आके जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। द रिमेनिंग रिब्स आर कॉल्ड एज फॉल्स रिब्स, ठीक है। अब 8th, 9th और 10th रिब्स होती हैं, वो रिब्स आर्टिकुलेट नहीं करती, ठीक है, स्टर्नम, बट वहां पर जो कार्टिलेज लगा होता है उसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और कौन से कार्टिलेज से, जो सेवेंथ रिब पर जो कार्टिलेज लगा होता है उससे आके जुड़ जाती हैं, क्लियर। उसके बाद हमारी दो रिब्स लास्ट की जो बची रह जाती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। द लास्ट टू पेयर 11th 12th रिब्स जो हमारी कितना वेंट्रली किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, डॉर्सली किससे जुड़ी हुई है थोरेसिक वर्टिब्रा से, लेकिन वेंट्रली वो किसी से अटैच नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अभी हम देखते हैं फ्लोटिंग रिब्स के बारे में, ठीक, थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स स्टर्नम टुगेदर क्या, देखो अब जो हमारी ये क्या हो जाएंगी रिब्स, आगे स्टर्नम, पीछे हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा क्या कहते हैं रिब केज बनाता है, इसमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लंग्स, जैसे कि हार्ट, ठीक। तो हमारा पूरा क्या है, ये हमारा ये क्या है पूरा वर्टिब्रल कॉलम, इसके आगे क्या हो जाएगा स्टर्नम, और ये क्या हो जाएंगी रिब्स, ये सारी चीज मिलके क्या बनाएंगी रिब केज, ठीक। और ये हमारी दोनों क्या है, ये दोनों क्या है फ्लोटिंग रिब्स, ठीक। लास्ट टू पेयर आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अब हम आगे देखते हैं हमारे रिब केज है फंक्शन, रिब केज हमारी बॉडी को क्या कर रहा है एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है ब्रीथिंग में हेल्प करता है, मतलब वाइटल ऑर्गन्स प्रेजेंट है लंग्स, तो इसमें ब्रीथिंग में तो हेल्प करेगा ही। अब ब्रीथिंग में कैसे हेल्प करता है, जो रिब्स होती है इससे क्या लगी होती है मसल्स, मसल्स क्या करती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जिसकी वजह से हम आसानी से सांस ले पाते हैं, और रेस्पिरेटरी मसल्स अटैच होती हैं, बात क्लियर। अब कुछ एमसीक्यूज हैं आपके लिए, ठीक है। द फ्यूज्ड रीजन इन द वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द मैन आर, बताना कौन कौन से वर्टिब्रा फ्यूज्ड होते हैं, कौन से फ्यूज होते हैं हमारे सैक्रल और कॉक्सीजियल। सैक्रल कितने किसके फ्यूजन से बना होता है, कितनी बोन्स के, सैक्रल कितनी बोन्स के फ्यूजन से बना होता है 5 बोन के फ्यूजन से, और कॉक्सीजियल कितनी बोन्स के फ्यूजन 4, बात क्लियर, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए नहीं है, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन बहुत ही छोटा है, फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब अपेंडिकुलर के स्केलेटन की बात की जाए तो हमारे जो ये सारे दूर वाले पार्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम क्या देखते हैं कितने तरह के बोन्स होती हैं, ठीक। तो अलग अलग पार्ट, पहले हम हैंड के बारे में बात करेंगे, फिर हम पैर के बारे में बात करेंगे, फिर हम पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन द लिम्स, द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स, मतलब जो लिम्स है यानी कि जो ऊपर वाला क्या हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपर लिम्ब, अपर लिम्ब के साथ कौन सा गर्डल अटैच होगा पेक्टोरल गर्डल, और लोअर लिम्ब के साथ कौन सा गर्डल अटैच होगा पेल्विक गर्डल, तो उसकी उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक। देखना, ठीक है, ये हमारी टोटल इसमें 30 हड्डियां होती हैं, इसमें 30 हड्डियां होती हैं, ठीक। इधर 2 हड्डी प्रेजेंट है, इधर 2 हड्डी प्रेजेंट है, और ये 30 हड्डी है, 30 इन द हैंड बोथ हैंड एंड 2 ऑन द पेक्टोरल गर्डल, ठीक। इसमें क्या प्रेजेंट होती है 30 इन द लिम्स, 30 बोन इन द लिम्स एंड 1 बोन इन द गर्डल पेल्विक गर्डल। तो टोटल अगर मैं बात करूं 32, 33 और 30 कितनी हो गई टोटल 63, तो 63 एक पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में 126, तो हमारे पूरे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है 126। कितनी बात कर लूं 4 इस मतलब 30 इस एंड की 30 इस एंड की 60, 30 दोनों पैरों की तो 120, और 3 दो यहां 124 और 2 नीचे टोटल 126, तो हमारे पास 126 हड्डियां होती हैं, ठीक।
अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां होती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर लिम्स की। किसकी बात करेंगे? फोर लिम की। ठीक, तो फोर लिम में हमारे कौन कौन सी हड्डियां प्रेजेंट होती है? तो फोर लिम में हमारी टोटल 30 हड्डियां प्रेजेंट होती है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी प्रेजेंट हो जाएगी? ह्यूमरस, फिर आ जाएगी रेडियस और अल्ना, फिर आ जाएंगे हमारे कार्पल्स। ठीक है, फिर हमारे क्या आ जाएंगे? मेटाकार्पल्स, फिर हमारे क्या आ जाएंगे? फेलेंजेस। ठीक है, तो ह्यूमरस एक, रेडियस अल्ना एक और एक, कार्पल टोटल एट, यानी कि जो रिस्ट में प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्पल। टोटल कितनी हो जाएगी? एट। ठीक है, मेटाकार्पल्स टोटल कितनी हो जाएंगी? पांच, जो हमारी ये है 1, 2, 3, 4 और 5, मेटाकार्पल्स टोटल 5, और जो हमारी ये डिजिट्स हैं इसको क्या बोलते हैं? फेलेंजेस। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14, 3, 6, 9, 12 और 2, 14। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे फेलेंजेस? 14। ठीक, इसके बारे में हम लोग एक एक करके हड्डियां देख लेते हैं। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है? फोर लिम है, तो फोर लिम में ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। ठीक है, अंगूठे के साइड वाली कौन सी हड्डी हो जाएगी? रेडियस। अंगूठे के साइड वाली कौन सी हड्डी हो जाएगी? रेडियस। ठीक, अंगूठे के साइड वाली कौन सी हड्डी है? रेडियस, जो इधर वाले साइड की हड्डी है, ये वाली अंगूठे के साइड वाली, ये कौन सी हो जाएगी? रेडियस। दूसरी वाली क्या हो जाएगी? अल्ना। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेंगे हमारे रिस्ट में कौन से हो जाएंगे? कार्पल्स टोटल 8, फिर हमारे क्या आ जाएंगे? मेटाकार्पल्स टोटल 5, और उसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे? फेलेंजेस। ठीक, तो अगर मैं इस हड्डियों में इसमें दिखाऊं, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी? ये ह्यूमरस। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस। ये क्या हो जाएगी? अल्ना। ये हमारे क्या हो जाएंगे? कार्पल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये सब क्या हो जाएंगे? मेटाकार्पल्स। और ये क्या है? हमारे फेलेंजेस हैं। ये हमारे क्या है? फेलेंजेस। टोटल 14 इन नंबर। बात क्लियर? ठीक है, इसी तरह हम लोग हाइंड लिम की बात करते हैं। ठीक है, हाइंड लिम में भी हमारे टोटल 30 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो फीमर, टीबिया देखते हैं। ठीक है, फीमर, टीबिया, फिबुला, तो हमारी हो जाएगी फीमर। ठीक है, इधर वाली हो जाएगी टीबिया। ये क्या? ये टीबिया है, ये क्या है? फिबुला है। बड़ी वाली हड्डी क्या है? टीबिया, इधर वाली फिबुला। ठीक, उसके बाद हमारे टार्सल्स हो जाएंगे, टार्सल्स। ठीक है, फिर हमारे क्या हो जाएंगे? मेटा टार्सल। फिर हमारे क्या आ जाएंगे? फेलेंजेस। और एक हड्डी बच जाएगी, कौन सी हड्डी? उसको क्या बोलेंगे? पटेला या फिर नी कैप। ठीक, अभी हम देखते हैं। ठीक, नी कैप कवर्स द नी ज्वाइंट, बट मतलब आगे से नी ज्वाइंट को कवर करके रखती है। ठीक ठीक है, ये जो आप हड्डी देख रहे हैं क्या है? फीमर है। ठीक है, फीमर। अभी आपने देखी, अभी आपने जो ये वाली हड्डी देखी इधर वाली साइड वाली, वो क्या है हमारी? क्या है? फिबुला। ये वाली पतली वाली हड्डी क्या है? फिबुला। मोटी वाली हड्डी क्या है नीचे? टीबिया। ठीक है, उसके बाद हमारी नीचे क्या है? ये सारी के सारे क्या है? टार्सल्स। उसके आगे पांच क्या हो जाएंगे? मेटा टार्सल। ठीक है, और फिर हमारे फेलेंजेस कितने हो जाएंगे? 14। ठीक, और एक बची हड्डी क्या हो जाएगी हमारी? नी कैप, पटेला। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेंगे पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल की, यानी कि जो हमारा अपर लिम को आर्टिकुलेट करवाता है। ठीक है, अपर लिम को आर्टिकुलेट करने वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेक्टोरल गर्डल। ठीक, तो अपर लिम में हमारी कितने, पेक्टोरल गर्डल में कितनी बोन्स है? 2 बोन्स। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में हमारी टोटल कितनी बोन्स है? 2। स्पेशली आप देखेंगे ये एक बोन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्कैपुला। और ये एक बोन है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्लेविकल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में हमारी सिर्फ 2 बोन्स होती हैं, 2 बोन्स राइट में, 2 बोन्स लेफ्ट में। ठीक है, कौन कौन सी हमारी? स्कैपुला और क्लेविकल, स्कैपुला और क्लेविकल। ठीक है, ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ्स। ठीक है, एंड ईच हाफ हैव 2 बोन्स, हमारी कौन कौन सी? स्कैपुला एंड क्लेविकल। ठीक है, हेल्प इन द आर्टिकुलेशन विद द अपर लिम्ब। तो हमारे अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है? एक्सियल स्केलेटन ही हो गया अपर लिम्ब, अपर लिम्ब हमारा पेरेंडिकुलर स्केलेटन हो गया। तो अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से कौन जोड़ता है? हमारे पेल्विक, नहीं पेक्टोरल गर्डल। पेल्विक गर्डल को कौन जोड़ेगा? लोअर लिम्ब को। ठीक ठीक है, ईच ऑफ द पेक्टोरल गर्डल हैज क्लेविकल एंड स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला इज द लार्जेस्ट ट्रायंगुलर एंड फ्लैट बोन। ठीक है, जो तुम्हारे कुबड़ निकल आता है ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या हो जाता है तुम्हारा? कौन सी बोन है? स्कैपुला। ठीक है, ये क्या है? लार्ज ट्रायंगुलर बोन है। क्या है ये? लार्ज ट्रायंगुलर बोन है। ठीक है, फ्लैट बोन है जो कि डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, मतलब पीछे साइड में जुड़ी हुई है। ठीक है, सेकेंड और सेवेंथ रिब के बीच में। तो अगर मैं बात करूं
कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? सी टू से लेकर सी सेवन के बीच में, ठीक है, सी सेवन टू नहीं, टी टू से लेकर टी सेवन के बीच में, थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर टू से लेकर थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर सेवन के बीच में, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, तो आगे देखते हैं कि डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन क्या बनाती है, स्कैपुला। स्कैपुला में क्या होता है? एक्रोमियन प्रोसेस। ये वाला जो स्कैपुला का पोर्शन होता है वो एक्रोमियन प्रोसेस होता है। एक्रोमियन प्रोसेस किसके साथ जुड़ के मिला होता है? क्लेविकल के साथ, ठीक है। क्लेविकल के साथ कौन जुड़ता है? एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक कैविटी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। क्या बोलते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी। अब ग्लिनॉइड कैविटी किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? हमारी ह्यूमरस के साथ, ठीक है। अभी देखना, बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके साथ हमारा हमारा है जो हमारा ह्यूमरस है इसका हेड जुड़ के बनाता है, ठीक, शोल्डर जॉइंट, ठीक। उसके बाद बात करते हैं पेल्विक गर्डल की। पेल्विक गर्डल में हमारी दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, ठीक है। ये एक बोन और ये हमारी एक बोन। ये हमारा क्या है बताओ? ये जो बीच में प्रेजेंट है क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक। तो हमारे पेल्विक गर्डल में भी दो बोन्स हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप बोन। हिप बोन के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं हिप बोन के, ठीक है। तो पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल बोन कॉल्ड पेल्विक बोन बोल लो, हिप बोन बोल लो, कॉक्सल बोन बोल लो, सारी बात एक ही है, ठीक। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, इलियम स्टियम और प्यूबिस, इलियम स्टियम और प्यूबिस, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो जहां पर बोन्स का फ्यूजन होता है वहां पर इसमें एक कैविटी होती है एसिटाबुलम, जो कि किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? हमारी फीमर के साथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो पेल्विक गर्डल में क्या प्रेजेंट होती है? हमारी ग्लिनॉइड कैविटी, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? ह्यूमरस के साथ। हमारी जो पेक्टोरल गर्डल में कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है? पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनॉइड कैविटी, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? तुम्हारी ह्यूमरस के साथ, ठीक है, जो कि क्या बनाती है? शोल्डर जॉइंट, ठीक है। और पेल्विक गर्डल में कौन सी कैविटी होती है? एसिटाबुलम, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? हमारी फीमर के साथ। और कौन सा जॉइंट बनाती है? हिप जॉइंट, ठीक। तो आप लोगों के लिए कुछ सवाल है, ठीक। एक्रोमियन प्रोसेस किस पार्ट का किसका होता है? एक्रोमियन प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ डैश इन द मैन। किसका पार्ट होता है? पेल्विक गर्डल का, पेक्टोरल गर्डल का, स्कल या फिर वर्टिब्रल कॉलम का? इसका होता है पेक्टोरल गर्डल का, ठीक है, राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल किस चीज से बना होता है? पेक्टोरल गर्डल किस चीज से बना होता है? पेक्टोरल गर्डल बना होता है स्कैपुला और क्लेविकल से। तो किससे बना होता है? क्लेविकल और स्कैपुला से। इतना आसान तो सवाल है, फिर भी आप लोग को नहीं आ रहा। और ये हमारी खत्म। थैंक यू क्लास।